ये कहानी उन बच्चों के लिए या आपने ऑफिस में काम करने वाले अपने बॉसेस के लिए वो लोग सुने जिनको इस कहानी से बहुत ज़्यादा वाला एक सबक मिलेगा। एक राजा था, वो अपने एक सेवक के साथ, एक दास के साथ जंगल में गया। दोनों थक गए, चटाई बिछाई, जंगल में बैठ गए। उन्होंने ऊपर देखा तो बड़े अच्छे अच्छे फल थे। एक फल नीचे गिरा तो सेवक को राजा ने खुद ही दे दिया उसे तोड़कर। फिर सेवक उसे खा गया, फिर दूसरा मांगा, राजा ने दे दिया, फिर तीसरा मांगा। इस बार राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, पर राजा ने फिर भी उस सेवक को वो फल दे दिया। तीसरी बार जब चौथी बार जो छोटा सा टुकड़ा बचा था, सेवक ने उसे मांगा तो राजा ने उसे तुरंत अपने मुंह में डाल लिया और खाने लगे। इस बात पर जैसे ही उन्होंने राजा को गुस्सा आया, उन्होंने फल खा लिया, उसे खाया तो वो बड़ा ही खट्टा और गंदा था। राजा ने उसे तुरंत थूक दिया। इस पर उन्होंने कहा, राजा ने, कि अरे इतना गंदा, इतना खट्टा फल था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और इसे खाया क्यों? सेवक ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। सेवक ने कहा कि ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपके सानिध्य में मुझे कई तरह के मीठे फल खाने को मिले हैं। अगर कई बार मीठे फल खाने को मिले हैं तो एक बार आपके हाथ का कड़वा फल भी तो मैं खा ही सकता हूँ ना। और राजा ने ये बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये बात उन बच्चों के लिए जो आपके माँ बाप आपके सब सपनों को पूरा करते हैं, क्या उन्हें अधिकार नहीं वो आपको एक बार डांट दें? और अगर वो डांट दें तो उस डांट को एक्सेप्ट कीजिए, उसे भी भगवान का प्रसाद समझ के। वो बॉस जो आपको रोज़ डांटता है ऑफिस में, अगर वो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है और अगर आपको फिर भी वो डांटता है तो उस डांट को भी बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा मीठा ही मीठा नहीं होता, ज़िंदगी में खट्टा भी होता है। कमेंट्स में जय माता दी। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।